अमरोहा जनपद के नौगावा सादात कस्बे के करबला के पीछे शनिवार सुबह से लापता 2 वर्षीय मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात कस्बे का रहने वाला एक 9 साल का मासूम बच्चा आयान शनिवार सुबह से ही घर से लापता था, जिसका सुराग नहीं मिल रहा था। इस पूरे मामले में बताया गया कि उसका शव लापता होने के 2 घंटे के बाद कस्बे की करबला के पीछे से बरामद हुआ, जिसके बाद उसके परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई। सर, ये कब से गायब हुआ था? ये सुबह तड़के से गायब है, 4 बजे के आसपास से। हुआ था? किसी ने अपहरण किया था या? हाँ, अपहरण किया था किसी ने। अच्छा, हाँ। तो कहाँ में मिला ये बच्चा? ये इधर ही करबला के बराबर में मिला, करबला से गायब हुआ। इस मामले में जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। इसके बाद बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अमरोहा भेज दिया गया। ये करबला नौवां सादात है, इसको आप देख रहे हैं, बड़ा प्रांगण है। इसमें सब जारीन जो बाहर से आते हैं वो यहाँ रुकते हैं और अपनी मन्नतें मांगने के लिए यहाँ पे रात में स्टे भी करते हैं। तो यहाँ पर एक महिला है, इनका बेटा सुबह मालूम चला 4 बजे की वो उनके पास नहीं है, फिर उसका पुलिस टीम द्वारा ढूंढा गया तो खेत में मिला है और उसको तत्काल फिर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। अभी तो प्राइमा कंडीशन में वो मृत दिख रहा है और कोई भी जहरीला चोट उस पर दिखाई नहीं दे रही। तो हम इस प्रांगण की अभी डिटेल में छानबीन कर रहे हैं, यहाँ पे जो केयर टेकर है उनसे बात कर रहे हैं और PM की कार्रवाई चल रही है। जो तथ्य आएंगे, जो साक्ष्य आएंगे, उस पर आई कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। गौरतलब है कि इस मामले में वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।